नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं हॉस्टेज डिप्लोमेसी के बारे में। चाइनीज हॉस्टेज डिप्लोमेसी पे ही हमारी चर्चा चलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल की हेडिंग है, बाइडेन रिवॉर्ड्स जीस हॉस्टेज डिप्लोमेसी। तो ये आर्टिकल आया था स्टेजक्राफ्ट एंड स्टेटक्राफ्ट में, और इसको लिखा है ब्रह्मा चलाने ने। अगर आप ब्रह्मा चलाने को जानते हो, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो, उनके आर्टिकल्स पढ़ चुके हो, स्पेशली अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से, तो आई एम क्वाइट श्योर कि यू नो अबाउट हिम। ही इज अ रियलिस्ट, बड़े धड़ल्ले से लिखते हैं। इनफैक्ट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को वो काफी क्रिटिसाइज कर चुके हैं। ही सेज दैट बाइडन्स अफगानिस्तान पॉलिसी हैज बीन अ बिग डिबाकल। तो आज हम लोग एक क्रिटिकल चर्चा करेंगे अबाउट बाइडेंस पॉलिसीज इन रीसेंट टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू चाइना, और वहीं पे हम लोग समझेंगे हॉस्टेज डिप्लोमेसी क्या होती है। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन का एजेंडा रहेगा व्हाट इज हॉस्टेज डिप्लोमेसी एंड व्हाट हैपेंड रिसेंटली, जिसकी वजह से ये न्यूज में है। इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, एक तरफ है चाइना, चाइना की जी जिनपिंग, आप इस पर्टिकुलर कार्टून या फिर एनिमेशन में देख सकते हो। दूसरी तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट्स जो बाइडन, एंड द थर्ड पार्टी इज जस्टिन ट्रूडो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। और ये जो है, दिस इज मेंग वैनजाओ, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ हुआवे, राइट, और हुआवे जो 5G टेक जायंट है चाइना की, उस कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। तो समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, एंड लेट्स अंडरस्टैंड हॉस्टेज डिप्लोमेसी। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साई गांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @rahulsai222। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन डू विजिट studyiq.com, इफ डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से, टू नो मोर अबाउट अस। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, क्या है खबर। आप ये देख सकते हो रीसेंट टाइम्स की खबर है, वावेस मेंग वैनजाओ फ्लाइज बैक टू चाइना आफ्टर अ डील विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ दिस इज चाइनीज, दिस इज मेंग वैनजाओ। अब ये इतना बड़ा इशू क्यों बन चुका है, सबसे पहले जानते हैं हु इज दिस मेंग वैनजाओ। शी इज कॉल्ड एज प्रिंसेस ऑफ दिस कंपनी, राइट, वावे कंपनी की प्रिंसेस मान जाती है, क्योंकि वावे कंपनी जो सेटअप की गई थी वो इनके पिताजी ने सेटअप की थी, रेंग जैंगफे ने सेटअप की थी, उनकी बेटी है ये हुआवे, एंड शी इज एट अ वेरी बिग पोजिशन, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है इस पूरी कंपनी की। तो समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, और ये हॉस्टेज डिप्लोमेसी कैसे हुई, और इसके ऊपर एक क्रिटिकल डिस्कशन करते हैं। वॉट एग्जैक्टली हैपेंड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। Why was Meng arrested? First thing, आपको जानना है कि Meng Wanzhou को अरेस्ट किया गया था। Meng Wanzhou जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वावे की, उनको डिटेन किया गया, अप्रिहेंड किया गया कनाडा में। जैसे कि मैंने आपको बताया तीन पार्टीज है, यूएस है, चाइना है और कनाडा है। तो कनाडा में उन्हें अप्रिहेंड किया गया, लेकिन कैनेडियन चार्जेस पे नहीं, लेकिन उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स की रिक्वेस्ट पे उन्हें अरेस्ट किया गया December 2018। अब यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने एलेज किया था कि मिस मेंग ने फ्रॉड किया था उनके साथ, यूनाइटेड स्टेट्स की बैंक्स के साथ, यानी कि HSBC बैंक एक इन्वॉल्व है। उन्होंने उस पर्टिकुलर बैंक को फ्रॉड किया क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मिस इन्फॉर्मेशन दी, जहां पे उन्होंने ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर दिया थ्रू ईरान। यानी कि वावे जो कंपनी है उनकी एक और मैं कहूँगा सब्सिडरी या फिर एक शेल कंपनी जो ईरान में थी, पैसा वहां से राउट किया गया। तो US के सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान के ऊपर, हम जानते हैं। तो यहाँ पे US ने कहा दैट शी ब्रोक यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान, इसी के चलते उन्हें अरेस्ट करने की रिक्वेस्ट दी थी। तो कनाडा में उन्हें उनको अप्रिहेंड किया गया इन December 2018। इनफैक्ट 2018 से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, टेस्टिमोनियल्स ली जा रही है, एविडेंसेस कलेक्ट की जा रही है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि प्रोसिक्यूशन के अग्रीमेंट में मिस मेंग ने ये एडमिट किया है कि शी मिसलेड द HSBC बैंक अबाउट वावेस रिलेशनशिप विद अनदर कंपनी स्काईकॉम, राइट, एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है जो ऑपरेट करती है ईरान से। तो मनी को राउट किया गया था थ्रू ईरान। अब इसी के चलते उनको यहाँ पे अप्रिहेंड किया गया। आपको ध्यान रखना है कि US ने रिक्वेस्ट किया है कनाडा को, मतलब US इवेंचुअली ये चाहता था कि कनाडा मेंग को एक्सट्रेडेट करे, यानी कि कनाडा से भेजे यूनाइटेड स्टेट्स को। और मेंग ने यहाँ पे ट्रायल चलते समय इसको भी फाइट किया था कि वो एक्सट्रेडेट नहीं होना चाहती है टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके ऊपर ये काफ़ी लंबा केस चला, इसके ऊपर रिलेशंस काफ़ी ख़राब हुई। हम जानते हैं कि 2018 की बात है, उस समय पे प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड वॉर चला था, इनफैक्ट उनकी चाइना की पॉलिसी काफ़ी सख्त थी। तो टैरिफ्स, काउंटर टैरिफ्स चल रहे थे, वावे को भी ब्लैकलिस्ट किया गया। इनफैक्ट अगले ही साल 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस लगाए और वावे को ब्लैकलिस्ट में भी डाला, ये सब हम लोग जानते हैं। तो इस एविडेंस को चाइना ने तो नकार दिया था, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ही कहा था कि सारे जो एविडेंसेस है दे आर फैब्रिकेटेड अगेंस्ट मेंग वैनजाओ। तो ये तो हुई यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलपमेंट। अब यहां पे हॉस्टेज डिप्लोमेसी कैसे हुई, देखिए
जैसे ही मेंग अरेस्ट हुई दिसंबर 2018 में, उसके कुछ ही दिनों बाद चाइना ने उनकी टेरिटरी में, यानी चाइना के अंदर, उन्होंने दो कैनेडियंस को अरेस्ट कर लिया, यहाँ पे उन्होंने डिटेन कर लिया। अब दो लोग थे, एक थे माइकल कोवरिक, दिस माइकल कोवरिक, दिस माइकल स्पेवर। माइकल कोवरिक एक फॉर्मर डिप्लोमेट है जो काम करते हैं इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के साथ, जो चाइना में थे। माइकल स्पेवर एक अनदर फाउंडिंग मेंबर है एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के, जो नॉर्थ कोरिया के साथ काम करता है, बेसिकली नॉर्थ कोरिया के साथ बिजनेस और कल्चरल टाइज बढ़ाने में वो इन्वॉल्व है। तो इन दोनों को अरेस्ट कर दिया और इन दोनों को चार्ज कर दिया अंडर द एस्पियोनाज लॉस। तो आप ध्यान देके देख सकते हो यहाँ पे कि मेंग अरेस्ट हुई कनाडा में, उसके कुछ ही दिनों बाद दो कैनेडियंस को अरेस्ट कर लिया यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज हॉस्टेज डिप्लोमेसी, यानी कि अगर आप हमारे इंसान को अरेस्ट करोगे तो हम आपके भी लोगों को अरेस्ट करेंगे और एक्सचेंज करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज हॉस्टेज डिप्लोमेसी। तो ये दो लोग माइकल कोवरिक और माइकल स्पेवर 2018 से ही चाइना में ही है, उन्हें डिटेन किया गया है। इनफैक्ट तब से वो कह रहे हैं कि दे आर इनोसेंट और चाइना ने उन्हें अरेस्ट किया है जस्ट टू मेक देम बार्गेनिंग चिप। बार्गेनिंग चिप मतलब आप हमें मैंग दीजिए, हम आपको ये दोनों लोग दे देंगे, माइकल स्पेवर और माइकल कोवरिक। इनफैक्ट इसी साल अगस्त में माइकल स्पेवर को 11 साल की सजा दी गई थी एस्पियोनाज के अंडर। माइकल कोवरिक के ऊपर केस अभी भी चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चाइना कहते हैं उनकी जस्टिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो आई होप यू डू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस हॉस्टेज डिप्लोमेसी। इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली सितंबर 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरवीन किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डील की चाइना के साथ जिसके तहत दोनों को ट्रांसफर किया गया, यानी कि मेंग वैनजाओ के खिलाफ जो भी फ्रॉड के चार्जेस थे उन फ्रॉड चार्जेस को ड्रॉप किया गया और उन्हें चाइना वापस भेजा गया। आपने पिक्चर देखी होगी, वो वेव कर रही थी चाइना में, शी वॉज सेंट बैक टू चाइना एंड विद इन अ फ्यू आवर्स माइकल स्पेवर माइकल कोवरिक दोनों वापस कैनेडा भी पहुंच गए, यानी कि इस हॉस्टेज डिप्लोमेसी के तहत। आई होप यू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक देश ने एक दूसरे देश के सिटीजन को अरेस्ट किया, दूसरे देश ने उनके दो लोगों को अरेस्ट किया और इवेंचुअली तीन साल बाद दोनों ने अपने बंदों को एक्सचेंज करा लिया। दैट इज व्हाट हैपेंड हियर, दैट इज हॉस्टेज डिप्लोमेसी। अब इस पूरे इंसिडेंट में ब्रह्माचलन ने क्वेश्चन अ फ्यू थिंग्स, वो सवाल उठाते हैं बाइडन की फॉरन पॉलिसीज के ऊपर। वो कहते हैं कि बाइडन की फॉरन पॉलिसी क्या हो रही है, इट इज गोइंग सॉफ्ट ऑन चाइना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाइडन्स पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू चाइना गोइंग सॉफ्ट, क्योंकि हम जानते हैं ट्रंप के साथ क्या था, ट्रंप का एक बहुत ही सख्त रवैया था टुवर्ड्स चाइना, एक ट्रेड वॉर था, टैरिफ्स, काउंटर टैरिफ्स लगाए थे, वावे को उन्होंने ब्लैकलिस्ट में किया था। लेकिन बाइडन की जो पॉलिसी रही है स्पेशली चाइना के साथ आफ्टर द अफगान डिबाकल, मैं कहूंगा काफी मेलोड डाउन रिस्पॉन्स रहा है। हम लोगों ने देखा है कि पिछले महीने में दो बार जो बाइडन की जी जिनपिंग के साथ बात हो चुकी है। इनफैक्ट खबरें ये भी आ रही थी कि जो बाइडन हैड ऑफर्ड फॉर अ पर्सनल मीट विद जी जिनपिंग विच जिनपिंग डिक्लाइंड। तो इन सब चीज़ों के चलते हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ मेलोड डाउन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स चाइना, यस टू सर्टन एक्सटेंट। अब दूसरा सवाल ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट ने अभी जो बैकडोर डील की, यहाँ पे मैं कहूँगा एक डील ब्रोकर की बिटवीन कैनेडा एंड चाइना, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हम चार्जेस ड्रॉप करते हैं, आप मेंग को वापस भेज दीजिए, वो लोग कोवरिक और स्पेवर को वापस भेज देंगे, डील हो चुकी है, लोग वापस आ चुके हैं, सभी लोग सेफ, इट इज़ गुड। बट इस चीज़ से एक प्रेसिडेंट ज़रूर सेट हो जाता है, यानी कि आज ये हुआ है क्या माइकल कोवरिक के साथ, माइकल स्पेवर के साथ जो हुआ है क्या वो अंत है, हम कह सकते हैं कि नहीं। यही तो कहते हैं ब्रह्माचलन दैट बाइडन्स पॉलिसीज दे डू रिवॉर्ड द हॉस्टेज डिप्लोमेसी। हॉस्टेज डिप्लोमेसी को वो प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि चाइना के पास अभी एक चीज ये मिल चुकी है कि अगर आप हमारे बंदों को अरेस्ट करोगे, आप हम पे सैंक्शंस लगाते, हम एक काउंटर चीज करेंगे, दैट इज द हॉस्टेज डिप्लोमेसी, स्पेशली विद पीपल अरेस्टिंग पीपल, डिटेनिंग पीपल। अगर आज ये हुआ है तो कल भी ये हो सकता है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ हॉस्टेज डिप्लोमेसी। तो यही कहते हैं कि इज यूनाइटेड स्टेट्स, इज जो बाइडन प्रमोटिंग दिस हॉस्टेज डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। ऑल्दो इसको बहुत सारे डेमोक्रेसीज ने, मल्टीलैटरल फोरम्स ने क्रिटिसाइज जरूर किया है कि जो चाइना ने किया था, बट नंदलेस इट डज प्रमोट हॉस्टेज डिप्लोमेसी टू सर्टन एक्सटेंट, क्योंकि चाइना ने तो उन्होंने अब जो चाहिए था वो पा लिया है, मेंग को वापस लाना चाहते थे, मेंग वापस आ चुकी है। इनफैक्ट अभी आगे चल के ये रिसेंट का स्टेटमेंट है जहां पे वावे होप्स दैट यूएस डिसीजन ऑन मेंग हेराल्ड्स अ न्यू एरा इन द रिलेशंस, यानी कि दिस इज एन इंडिकेशन दैट चाइना वांट्स टू डू बिजनेस विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गोइंग फॉरवर्ड, थिंग्स माइट बी बैक टू नॉर्मल। मैं कह सकता हूँ कि थिंग्स आगे चल के इट माइट कम बैक टू नॉर्मल। तो जो हम लोगों ने ट्रंप एरा में देखा था जो सख्त स्टेप्स लिए थे चाइना के खिलाफ, वो शायद बाइडन एरा में और भी ज्यादा मेलोड डाउन रिस्पॉन्स रहेगा एंड ट्रेड बिटवीन यूएस एंड चाइना माइट अगेन रिवर्ट बैक वेरी वेरी सून। अब
ये तो आने वाला समय बताएगा ये कब होगा, लेकिन जो सवाल हम लोग ने उठाया था हॉस्टेज डिप्लोमेसी, क्या वो एंड होगी? शायद नहीं, आगे चल के अगर इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रमोशन मिल सकती है चाइना को उनकी अग्रेसिव पॉलिसी को और उनकी हॉस्टेज डिप्लोमेसी इस चीज़ के ऊपर अगर कोई डेवलपमेंट आएगी फिर से, अगर हॉस्टेज डिप्लोमेसी का कोई सिचुएशन आएगा तो हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे स्टडी आई के ऊपर। बट राइट नाउ दैट इज़ इट इन दिस पार्ट ऑफ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।